हाय गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सागर एंड वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में एक नोटिस की, जो कि आज ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। और इस नोटिस की अगर बात की जाए तो प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट से मांगी गई है डिपार्टमेंट्स की। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि प्रेफरेंसेस डिपार्टमेंट कब मांगता है, जब किसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट्स में जो है एक से ज्यादा यूनिट असिस्टेंट की पोस्ट एडवर्टाइज की जाती है और उसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो कि सिलेक्ट हो जाते हैं एक ही पोस्ट के लिए, तो उनसे जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर उस एडवर्टाइजमेंट में रहते हैं सेम पोस्ट के लिए, तो कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप जो है किस डिपार्टमेंट में जो है अपनी प्रेफरेंस रखना चाहेंगे। तो उसी तरह का एक नोटिस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट में, जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए रहेगा। यूं कहें तो अगर एडवर्टाइजमेंट बात करें 4 of 2015 की, जो कि SRO 202 के अंडर नहीं आती है, और उसके साथ ही बात करें अगर एडवर्टाइजमेंट 3 of 2016 की, और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आइटम नंबर 151, 214, 268 और 351 के कैंडिडेट्स की, तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा यहां बताया गया है कि 46 पोस्ट जो है यूनियन असिस्टेंट की एडवर्टाइजमेंट में जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दी गई थी, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट था, कॉपरेटिव डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, CAPD डिपार्टमेंट था, PWD और हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट था, जो कि डिस्ट्रिक्ट रियासी, अनंतनाग, कठुआ और डिवीजन कैडर जम्मू की पोस्ट थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एजुकेशन कॉपरेटिव और कॉपरेटिव और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, यानी कि अगर एडवर्टाइजमेंट 4 of 2015 की बात करें, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट की कैडर की पोस्ट थी, कुल मिला के 13 वैकेंसी एडवर्टाइज की गई थी। अगर बात करें CAPD या फिर PWD डिपार्टमेंट की, तो डिवीजन कैडर जम्मू में एडवर्टाइजमेंट 3 of 2016 के अंडर 8 वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज की गई थी, आइटम नंबर 2014 था, उसके साथ में माफ कीजिए 214 था। उसके साथ में अगर बात करें एडवर्टाइजमेंट 3 of 2016 की, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कैडर में जो है एजुकेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कुल मिला के 8 वैकेंसी जो है रेफर की गई थी डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके साथ में एजुकेशन एंड एच एंड हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है 17 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की गई थी एडवर्टाइजमेंट 3 of 2016 में। तो यहाँ पे इस नोटिस के माध्यम से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बताया है कि कुछ पोस्ट के लिए जो है टाइपिंग के बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, और कुछ पोस्ट के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है टाइपिंग इंटरव्यू के टाइम पे कंडक्ट की गई थी कैंडिडेट्स की, और उसके बाद जो है टाइप टेस्ट और CBT के बाद जो मेरिट कैंडिडेट का बना है उसके अकॉर्डिंगली जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 24 मई 2021 को जो है कैंडिडेट की सिलेक्ट लिस्ट जो है वो निकाल दी गई थी, और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जो है 24 मई को डिस्प्ले कर दी गई थी। और अब जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कैंडिडेट से जो है प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक नोटिस निकाला गया है आज, यानी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कैंडिडेट से प्रेफरेंस मांग रहा है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जो है पहले प्रेफरेंस फिल करना चाहते हैं। देखिए, सभी डिपार्टमेंट हर एक कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहेंगे। अगर मैं बात करूं उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट 4 of 2015 में अप्लाई कर रखा है, तो वो जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो एजुकेशन, कॉपरेटिव या रेवेन्यू, उन तीनों डिपार्टमेंट से जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस कॉपरेटिव में है, सेकंड रेवेन्यू में है, थर्ड एजुकेशन में है, जिस अकॉर्डिंगली जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं। उसी तरह से 3 of 2016 वाले कैंडिडेट जो है वो सिर्फ CAPD और PWD डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस दे सकते हैं। 3 of 2016 एडवर्टाइजमेंट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स जो है वो एजुकेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। उसी तरह से कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एडवर्टाइजमेंट 2016 में हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट जो है उसमें और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है कैंडिडेट प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, और प्रेफरेंसेस जो है आपको देनी है एज पर फॉर्मेट। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा बताया गया है कि 17 जून को जो है कैंडिडेट्स को 17 जून से पहले पहले जो है कैंडिडेट्स को ईमेल करना है अपने प्रेफरेंसेस, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है प्रेफरेंसेस फिल करनी, और फॉर्मेट जो है यहाँ पे इंक्लोज किया गया है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड पे। तो उस फॉर्मेट को फिल करते हुए जो है आपको अपनी प्रेफरेंसेस देनी है एज पर एडवर्टाइजमेंट, और 17 जून जो है लास्ट डेट रहेगी। तो 17 जून से पहले पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जो है प्रेफरेंसेस दे सकते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। और ईमेल की बात की जाए जहाँ पे आपको मेल करनी है वो रहेगी jkssb.japref@gmail.com। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट प्रेफरेंस नहीं फिल करता है वेलिड टाइम, तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो है खुद ही उसको कोई डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा, और बाद में जो है कैंडिडेट उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट जो है नेक्स्ट ईयर ए में आपको दे दी गई है कि कौन से डिपार्टमेंट में अपने अप्लाई करना है प्रेफरेंस फॉर्म, इसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना आइटम नंबर लिखना है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट रहेगा, सिलेक्शन सीरियल नंबर रहेगा कि सिलेक्शन लिस्ट में आपका सीरियल नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है, कैटेगरी रहेगी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और उसी के साथ में आप नीचे देख सकते हैं प्रेफरेंसेज आपको फिल करनी है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर आपका सपोज एजुकेशन फर्स्ट रखना है, आपने यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और यहाँ पे प्रेफरेंस फर्स्ट कर देनी है। उसी तरह से प्रेफरेंसेज जो है डिपार्टमेंट वाइज आपको देनी है, और नीचे आपको सिग्नेचर करके इस पेज को जो है स्कैन कर जो है आपको सबमिट करवाना है, माफ कीजिए आपको ईमेल करना है
जम्मू कश्मीर ट्रांसलेशन बोर्ड की जो ईमेल आईडी यहां पे दी गई है उस पे करना है, और 17 जून जो है वो लास्ट डेट रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पर फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। मैं डेफिनेटली क्यूरी का रिस्पॉन्स कर लूंगा ड्वेलिंग टाइम। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।